अब बात करते हैं बारिश की। पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने सभी को बेहाल कर दिया है। ऐसे में भला आदिवासी लोग कहां अछूते रहने वाले थे। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के पीछे बसी यह आदिवासी बस्ती पिछले तीन दिनों से पानी में डूबी थी, मगर महानगर पालिका को उनकी जान से कोई सरोकार नहीं था। वो मदद की गुहार लगाते रहे, मगर पालिका प्रबंधन ने उनकी पुकार नहीं सुनी। पनवेल शहर ने 26 जुलाई 2005 को जल प्रलय का सामना किया था। उस वक्त नगर निगम के पास कोई भी आपदा प्रबंधन व्यवस्था नहीं थी और ना ही पर्जन्य मापक यंत्र था। इस दौरान पनवेल शहर, सिडको द्वारा बनाई गई सभी कॉलोनियां और 11 गांवों को मिलाकर पनवेल महानगर पालिका की स्थापना की गई, मगर अभी तक पालिका के पास ना पर्जन्य मापक यंत्र है और ना ही आपदा प्रबंधन व्यवस्था। यहाँ तक कि अगर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं तो जो बोट प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई थी वो भी गायब है। यानी प्रतीत होता है कि महापालिका प्रबंधन को लोगों की जान से कोई सरोकार नहीं है। पिछले चार दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पनवेल शहर वासियों का बुरा हाल है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पनवेल के सखल यानी निचले हिस्से में करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के पीछे रह रहे आदिवासियों का क्या हाल हुआ होगा। जी हाँ, पिछले चार दिन हुई मूसलाधार बारिश की वजह से उनका जीना बेहाल हो गया है। उनके घरों में पानी घुसा है, जिसकी वजह से वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। हालांकि इसके बारे में उन्होंने महापालिका को जानकारी दी और मदद की गुहार भी लगाई, परंतु महापालिका ने जेसीबी भेजकर तहसील कार्यालय परिसर में हुए पानी के जमावड़े का रिसाव किया, मगर इन आदिवासियों की सुध नहीं ली। इसके मायने ये हुए कि चुनाव के लिए आदिवासी वोटों की सत्ताधारियों को आवश्यकता होती है, मगर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आदिवासी जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिडून पिडा राहतो आहे। त्यावेळी एवढं पाणी येत नव्हतं। समोर महापालिकेने आमचं जितना पाणी निघत होता त्या जागेवर यांनी विलीजचं परवानगी दिली आणि आमचे पाणी जे जितना जायचं त्या बिल्डरने बांधकाम चालू केलं आणि ती आमची वाट बंद केली। त्यांच्यामुळे सतत चार दिवस मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे आमचे चार दिवस एवढी हालत बेकार झाली की आम्हाला ना आंघोळी करता येत ना बाथरूममध्ये जाता येत आहे। म्हणजे कुत्र्याची एक अवस्था बरी हो, त्याच्यापेक्षा आमची बिकट अवस्था झालेली आहे या महापालिकेचे हरकत कारणामुळे। हे यांचे यांनी आमचं एकदम असं दुर्लक्ष केलं आहे महापालिकेने, ना आम्हाला काय विचारत, फक्त येतात, आम्ही थोडी कंप्लेंट दिली काही येतात, फक्त फोटो काढतात, आमचा प्रयत्न चालू आहेत, फक्त तेवढंच आम्हाला आश्वासन दिलं आहे, बाकी काही यांनी केलेलं नाही। हो, दोन वेळा सांगितले ना। महापालिकेने काय केलं मग? महापालिकेने फक्त जेसीबी आणली, एवढं जागा साफ केलंय, समोरून बोलतो कुठे जाणचा मार्ग आहे तो मोकळा करतोय, तहसील समोर पण मार्ग जो एकदम विनोद रेजिडेन्सी जी बिल्डिंग आहे तिथे त्यांनी पाईप टाकले, त्यांच्यामुळे आमचं पाणी एकदम तिथं अडतोय, तेवढं फक्त त्यांनी जागा तेवढी साफ केली, पुढं काही काय केलेलं नाही। महापालिकेला सांगणं एवढंच आहे का किमान त्या माणसाला माणूस आहे तेवढं तरी बघायला पाहिजे का आम्ही जनावले आहेत का। आज आम्ही तुम्हाला चार दिवस झाले सतत कंप्लेंट करतोय, आज फक्त त्यांनी थोडीशी दाद घेतली, थोडी एक जेसीबी दिली आणि तो जाण्याचा मार्ग सकाळपासून त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत, मोकळे करण्याचे चालू आहेत, पण इथं तीन दिवस आम्ही उपाशी पडतोय, इथं आमच्याकडे कोणी दुर्लक्ष केलं आहे, आमच्याकडे बघत नाही कोणी। व्हिडिओ जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत ठाकूर के साथ करनाला टीव्ही के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।